पहले सवाल का जो हमें आर के सिंह ने ईमेल के जरिए भेजा है, वो कह रहे हैं कि उन्हें या तो एक मकान या फ्लैट खरीदना है नोएडा में, उनका बजट 2 करोड़ का है। ये कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के जो ड्यूप्ले हाउसेस हैं सेक्टर 132 पे, ये एक्सप्रेसवे पर, ये कैसे हैं, या फिर महागुन मेजारिया इन्होंने पसंद किया सेक्टर 78 में, तो ये बताइए आप इनमें से कौन सा इनके लिए चुनेंगे, और इलाका आप क्या सोचते हैं कि इन्होंने अपने बजट के हिसाब से सही चुना है। देखिए, 2 करोड़ का बजट जो है इनका, वो बहुत ही अच्छा बजट है नोएडा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो जो जिन जिन लोकेशंस की ये बात कर रहे हैं उन लोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रोजेक्ट इन्होंने चूज़ किया है महागुन मेंशन, महागुन मजेरिया, ये एक लग्जरी डेवलपमेंट है, और सेक्टर 132 की अगर हम बात करते हैं तो वो एक कमर्शियल सेक्टर है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोकेशंस दोनों ही बहुत अच्छी हैं। इसको है एक लोकेशन को हम नोएडा एक्सप्रेसवे का नाम देते हैं, और दूसरी लोकेशन को हम नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड, जो यू नो सेंट्रल नोएडा से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, हम उसको बोलते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोनों माइक्रो मार्केट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 42 प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 40 से 41 हज़ार यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री है, और तकरीबन 14 से 15 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है, और यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 5,400 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। और अगर हम सेंट्रल नोएडा और नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड की बात करें तो तकरीबन 84 प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 71 से 72 हज़ार यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री है, और अवेलेबल यूनिट्स तकरीबन 21 हज़ार यूनिट्स हैं, और यहाँ का प्राइस तकरीबन 5,400 रुपये से 5,450 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 1.3% का सालाना डिक्रीज़ पिछले 3 सालों के अंदर देखा है। अब हम रुक करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। जो महागुन मजेरिया प्रोजेक्ट है वो एक लग्जरी डेवलपमेंट है, इसके आपको बहुत ज़्यादा कंपेरेबल्स आपको इस प्रोजेक्ट के नहीं मिलेंगे, और सेक्टर 132 जैसे मैंने आपको बताया एक कमर्शियल सेक्टर है, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आपको 2 करोड़ के बजट में 3 BHK और डुप्लेक्स हाउस यहाँ पर मिल सकता है। महागुन मजेरिया का प्राइस तकरीबन 6,400 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पे आपको 3 BHK जो डुप्लेक्स हाउस है तकरीबन 3,020 स्क्वायर फीट का मिलेगा, और इसका पोजेशन 2017 में होने की संभावना है, और ये एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है जो मेन लिंक रोड से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ पे नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो हायर फ्लोर का काम यहाँ पर अभी चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं वो स्पोर्ट्सवुड है गौरसंस का, सेक्टर 79 में, जो भी आपकी यू नो जैसे आपने बताया कमर्शियल सेक्टर के पास में, तो इस ये 2 फेजेज़ में डिवाइडेड है। फेज़ 1 में तकरीबन प्राइस 4,500 से 4,600 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, और फेज़ 2 का प्राइस तकरीबन 4,200 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, और इसमें आपको 3 BHK तकरीबन 2,280 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। इसका पोजेशन अगर हम देखें तो फेज़ 1 का पोजेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, और फेज़ 2 का पोजेशन तकरीबन 2017 में होने की संभावना है। अगर हम तीसरा प्रोजेक्ट रेकमेंड करें तो वो कोरल वुड्स है सनवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये 2017 में पोजेशन मिलेगा, और इसका प्राइस 5,750 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और इसके अंदर 962 यूनिट है। आपको इसमें 4 BHK तकरीबन 2740 स्क्वायर फीट का 4 BHK इसके अंदर मिल जाएगा। ये भी एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है, और एक ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है, तो आप इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो जो आपने प्रोजेक्ट चुना है उसके साथ तो आप जा ही सकते हैं, साथ ही आप देख सकते हैं स्पोर्ट्सवुड गॉर्सन्स इंडिया का है प्रोजेक्ट, और साथ ही अरिस्ता प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का।